वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। नेटफ्लिक्स वाले काफी कुछ ऐसी वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं जो हमारे इंडियन ऑडियंस को पसंद नहीं आती। कुछ लोगों का मानना है कि वो हिंदू फोबिक वेब सीरीज बनाता है, तो कुछ लोगों का मानना है कि वो इस्लामिक फोबिक वेब सीरीज बनाता है, कुछ लोगों का मानना है कि कुछ ऐसे कंटेंट वेब सीरीज के होते हैं नेटफ्लिक्स के जिससे एक रिलीजियस को काफी ऊंचा बताया जाता है, तो एक रिलीजियस के बारे में काफी नेगेटिविटी फैलाता है। तो मेरा मानना यह है कि नेटफ्लिक्स वाले जो ऐसी वेब सीरीज बना, चाहे वो सेक्रेट गेम्स हो चाहे वो लैला वेब सीरीज हो, तो उन वेब सीरीज में कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी एजेंडा या फिर जो उसमें आप देखोगे तो काफी हिडन मैसेजेस देखने को मिलेंगे। तो वो हिडन मैसेज वही लोगों को पता चलते हैं जो लोग ये सब चीजों की जानकारी देते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इल्यूमिनाटी या उसके अलावा काफी जो हमारे पॉलिटिकल जो हमारे देश में पूरी दुनिया में चल रहा है या हमारे इंडिया में चल रहा है, तो वो सब कुछ चीजों को लेकर ये सब वेब सीरीज बनती है। हाँ, लेकिन जब वो लोग किसी धर्म को या किसी रिलीजियस को गलत बताते हैं या किसी को सही बताते तो वो बहुत गलत बात है। तो इस तरीके की वेब सीरीज नेटफ्लिक्स को नहीं बनानी चाहिए, या तो फिर अगर बनाते तो उनको सोच समझ कर उसका डायरेक्शन करना चाहिए ताकि किसी एक रिलीजियस को पर्टिकुलरली बुरा ना लगे। अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स की इस वेब सीरीज को लेकर, तो इस वेब सीरीज में हमें स्टारकास्ट तो बहुत अच्छी नजर आने वाली है, लेकिन ये वेब सीरीज एक एक्शन थ्रिलर जॉनर की होने वाली है। और इस वेब सीरीज का वेट लोग इस वजह से कर रहे थे क्योंकि लोगों को लगता था कि शाहरुख खान कहीं ना कहीं इस वेब सीरीज में हमें नजर आने वाले, लेकिन आज फाइनली जब ट्रेलर आ चुका है तो लोगों का जो सवाल था, जो क्वेश्चन था, वो अभी क्लियर हो चुका है कि शाहरुख खान इसमें हमें नजर नहीं आएंगे। शाहरुख खान ने इस वेब सीरीज को प्रोड्यूस किया, इसमें हमें नजर आएंगे इमरान हाशमी, जयदीप अलावा, सोविता दुलीपाला, विनीत कुमार और कीर्ति कुलारी। इसे डायरेक्ट किया है रिबु दासगुप्ता ने। इस वेब सीरीज की कहानी क्या होने वाली है, मुझे ट्रेलर देखे क्या लगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ का एक चैनल है यूट्यूब पे जिसका नाम है फूड कोर्ट जॉय ऑफ लर्निंग। वो एक फूड चैनल है, काफी अच्छी यूनिक रेसिपीज आपको सीखने को मिलेगी। तो इस चैनल को जरूर जाकर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और मेरी वाइफ के चैनल को भी उसी तरीके से सपोर्ट करें जिस तरीके से आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो बेसिकली इसमें कहानी हमें ये देखने को मिलेगी कि पाकिस्तान में कुछ अफगानी तालिबान नेताओं का कुछ खुफिया मिशन पर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता चल जाता है कि उन पर हमारे इंडियन एजेंट्स कुछ नजर रख रहे हैं। तो वो किसी तरीके से हमारे इंडिया के जो चार एजेंट्स हैं उनको पकड़ लेते हैं, लेकिन उन्हें मारने के बजाय वो हमारे इंडिया से सौदा करते हैं कि अगर आप लोगों को आपके एजेंट सही तो आपको आपकी जेल में जो हमारे पाकिस्तान के जो चार टेररिस्ट है उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो हमारी रॉ एजेंसी है इंडिया की, वो उन्हें साफ साफ मना कर देती, लेकिन उसके साथ साथ वो एक खुफिया मिशन की तैयारी भी करते हमारे रॉ वाले कि किसी तरीके से हमारे जो वहां पे एजेंट है उनको सही सलामत यहां पर लेकर आना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए उनको ऐसे एजेंट की जरूरत होती है जो पाकिस्तान से वाकिफ है, उसके शहरों से, उसकी गलियों से, ताकि वो आराम से काम कर दे। तो अब यहां पे एंट्री होती है इमरान हाशमी की, जो एक्स एजेंट रह चुके और उनके जो जब वो एजेंट है तब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई, कुछ ऐसी गतिविधियां इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से उनको ये काम छोड़ना पड़ा। अब वो काम छोड़ के किसी स्कूल के प्रोफेसर बन चुके। लेकिन इमरान हाशमी की इसमें एक अलग सी कहानी हमें देखने को मिली, जैसे कि वो पहले जब एजेंट थे तब उनकी पाकिस्तान में जयदीप अलावा के साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे, कुछ ऐसी वजह हुई थी जिस वजह से उनको ये काम छोड़ना पड़ा था। लेकिन वो चीज को वो आज तक भुला नहीं पाया और वो ये छोड़कर अपना एक नाम चेंज करके वो एक स्कूल में प्रोफेसर का काम कर रहे। लेकिन जब उन्हें फाइनली रॉ की तरफ से कॉल आता है कि आपको इस मिशन पे जाना पड़ेगा, तो वो इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद उन्हें विनीत कुमार जो इसमें रोल प्ले करे वीर का और सोविता दुलीपाला जो ईशा का रोल प्ले करे, तो इन दोनों के साथ उन्हें एक टीम बनकर इस मिशन पे जाना पड़ेगा जहां पे इनको किसी भी तरीके से उन लोगों को रेस्क्यू करना है, हमारे इंडिया के एजेंट्स को सही सलामत। और ये एक मिशन है होगा जो ऐसा मिशन होगा कि इसमें इनकी खुद की भी जान जा सकती है, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि किसी भी देश में जाके उन लोगों से लड़ना। लेकिन हमारे हिंदुस्तानी हम किसी से कम नहीं। और जाहिर सी बात है इस वेब सीरीज में काफी कुछ रोमांचक सीन देखने को मिलेंगे, काफी कुछ ब्रेथ टेकिंग सीन देखने को मिलेंगे, किस तरीके से इमरान हाशमी वहां के लोगों का सामना करते हैं, वहां की गली गुच। और मतलब ये जो मिशन होगा ना बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और ट्रेलर देखकर तो आप समझ सकते हो कि जो उसका बैकग्राउंड स्कोर है, चाहे वो उसके एक्शन सीन, साथ साथ इसमें विनीत कुमार जैसे परफेक्ट एक्टर देखने को मिलेंगे और जयदीप अलावत, यार इन लोगों की जितनी तारीफ करे उतनी कम है। तो यार एक बहुत ही जबरदस्त वेब सीरीज होने वाली है। मुझे फाइनली ऐसा लगता है कि ये वेब सीरीज में कुछ ऐसी सब रोचक सीन्स या ऐसे कुछ ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किए। और नेटफ्लिक्स की तरफ से आ रही हो, शाहरुख खान ने इसमें पैसा लगाया, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ तो अलग होने वाला। अब देखना है कि वो कितना नॉवेल पे जाते हैं या कितना इसमें फिक्शनल चीजें डाली गई है, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तो ट्रेलर देखकर तो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, काफी कुछ अलग और हटके देखने को मिल रही है। नॉर्मल बॉलीवुड की कोई कमर्शियल जासूसी फिल्म देखने नहीं मिले, चाहे वो टाइगर जिंदा है या
एजेंट विनोद की बात करें उसमें काफी कमर्शियल टच था, लेकिन इस ट्रेलर को देखकर तो समझ में आ रहा है कि हमें इसमें कमर्शियल चीजें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें जो कंटेंट है, जो हमारे इंडिया के जो एजेंट्स है वो किस तरीके से पाकिस्तान जाते हैं और हमारे एजेंट्स को वहां से रेस्क्यू करते हैं, और रेस्क्यू करने में जो जो उनको मुश्किल आती है, जो जो तकलीफें आएगी, वो हमें इस वेब सीरीज में बताया जाएगा। साथ साथ हमें इमरान हाशमी की जो पास्ट में हुई जो घटना है, किस तरीके से इमरान हाशमी को ये काम छोड़ना पड़ा था, वो एक चाहे प्रोफेसर स्कूल के प्रोफेसर बन गए थे, तो ये सब भी हमें जानने को मिलेगा। तो बेसिकली ये एक स्पाई वेब सीरीज तो है, लेकिन उसके अलावा जो एक एजेंट होता है, एजेंट की लाइफ में क्या उतार चढ़ाव आते हैं और क्या क्या वो फेस करता है, ये सब कुछ भी हमें जानने को मिलेगा। तो यार ये वेब सीरीज का तो मैं बहुत इंतजार कर रहा हूँ। ये वेब सीरीज सितंबर 27 पे आने वाली है और इसमें तकरीबन 8 से 10 एपिसोड होंगे, तो वो तो वक्त बताएगा कि वेब सीरीज कैसी। तो यार आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि इमरान हाशमी, जयदीप अलावा, विनीत कुमार, इन लोगों की स्टारकास्ट देखकर आपको कैसा लगा और इस वेब सीरीज से आप लोगों की क्या उम्मीद है। आप तो यार इस वीडियो में इतना, अगर आपको वीडियो पसंद आता तो हमारे चैनल अरहान इंटरनेट को जरूर सब्सक्राइब करो और जो साथ ही बेल आइकन उसे प्रेस करो। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। दिल्ली।